हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस लीगल पर से सो गाइस एक बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज आप लोगों को देनी है सुप्रीम कोर्ट अप होल्ड वैलिडिटी ऑफ ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की वैलिडिटी को अप होल्ड कर दिया है एंड बी पे ये इस चीज़ छोड़ दी है कि वो डिसाइड करेंगे कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन प्री इनरोलमेंट होगा इनरोलमेंट से पहले होगा या पोस्ट इनरोलमेंट होगा एनरोलमेंट के बाद होगा अब आप सोच रहे होंगे ये सारी चीज अचानक से कहां से आ गई तो गाय ये अचानक से नहीं आई है आपको शायद याद नहीं होगा तो मैं आपको याद दिला देती हूं कि बैक इन सेप्टेम्बर ट्वेंटी एट सेप्टेम्बर को सुप्रीम कोर्ट ने अपना इसी मैटर पे जजमेंट को रिजर्व किया था ठीक है आज इस चीज को आगे बढ़ाया गया है एंड सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बातें की हैं इस केस से रिलेटेड आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पहले ही बता देती हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जो लोगों ने बी ए, ए, ए आई अभी तक नहीं दिया है उन लोगों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड जिन्होंने दे दिया है उनके लिए भी ये जानना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तो इस वीडियो में आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए एक एक बार डिस्कस करेंगे कि आज क्या क्या चीजें डिस्कस हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में ओके तो चलिए देखते हैं ओके गाइस सो इन दिस आर्टिकल सबसे पहली बात ये बोली गई है कि द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे को अपहेल्ड किया है वैलिडिटी ऑफ ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन एंड बोला है कि जो लॉ ग्रेजुएट हैं जिन्होंने लॉ को पास किया है दे आर रिक्वायर्ड टू टेक उन्हें रिक्वायर्ड है मैंडेटरी है ये एग्ज़ाम देना अगर उन्हें प्रैक्टिस करना है बिफोर कोर्ट सो गाइस अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जिसमें संजय किशन कॉल थे संजीव खन्ना ए एस ओका विक्रम नाथ एंड जे के माहेश्वरी इन्होंने हेल्ड किया कि जो पावर है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास टू कंडक्ट द एग्जाम ऑफ ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ये एक एडिक्वेट पावर है ठीक है और उन्होंने आगे ऐड किया कि ये जो वी सुधीर वाला केस था इसमें जो चैलेंज किया गया था वैलिडिटी ऑफ ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को इसे इन्होंने सस्टेन नहीं माना ऑन द पावर ऑफ बी सी आई कैन नॉट बी सस्टेन एंड वी कैन नॉट होल्ड वो होल्ड नहीं कर सकते हैं इस पावर को और ये ले डाउन करता है द करेक्ट पोजिशन ऑफ लॉ वी कैन नॉट होल्ड दैट इट लेज डाउन द करेक्ट पोजिशन ऑफ लॉ ठीक है ओके okay, फिर आगे ये बोला गया कि ऑन वेदर द ए आई बी शुड बी हेल्ड प्री और पोस्ट ठीक है प्री और पोस्ट इनरोलमेंट का गाइज आपको अगर मतलब नहीं पता है तो मैं बता दूँ प्री इनरोलमेंट का मतलब ये होता है कि आपने लॉ ग्रेजुएट आपने आप लॉ ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हो ठीक है आपको तभी एग्जाम देने को दिया जा रहा है ठीक है प्री इनरोलमेंट अभी आपने इनरोलमेंट नहीं किया है पोस्ट इनरोलमेंट का मतलब यह है कि आपने किसी भी स्टेट बार काउंसिल में अपना इनरोलमेंट करा लिया उसके बाद आप एग्जाम दे रहे हो ठीक है ये होता है प्री और पोस्ट तो इसमें बोला गया है कोर्ट बोल कोर्ट ने इस मैटर में ये बोला कि द इफेक्ट ऑफ दिस वुड बी दैट इट इज लेफ्ट टू द बी सी आई एज टू वॉट स्टेज द ए आई बीज टू बी हेल्ड कोर्ट ने साफ साफ ये बात बोली कि ये पूरी चीज़ बी डिसाइड करेगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया डिसाइड करेगा कि उसे एग्जाम प्री लेना है या पोस्ट लेना है ठीक है देर आर कॉन्सिक्वेंस विच वुड अराइज इन होल्डिंग द ए आई बी इन ईदर सिनारियो ठीक है दोनों में कुछ भी हो सकता है पहले में भी कुछ हो सकता है प्री में भी और पोस्ट में भी हो सकता है कोई भी कॉन्सिक्वेंस एंड इट इज नॉट फॉर दिस कोर्ट टू डिलीव इन टू दैम और कोर्ट के पास ये नहीं कोर्ट इस चीज में अपने आप को नहीं घुसाना चाहता है तो ये चीज़ पीसीआई पे उन्होंने छोड़ दिया है कि वो प्री कराए या पोस्ट कराए आगे कोर्ट ने ऐड करते हुए ये बोला कि वी आर इंक्लाइन टू एक्सेप्ट हम जो सजेशन हमें एमिकस के थ्रू मिला है कि स्टूडेंट्स जो लास्ट ईयर में हैं फाइनल ईयर ऑफ लॉ स्कूल हैं फाइनल सेमेस्टर में हैं उन्हें ये मौका देना चाहिए दिया जाना चाहिए कि वो तभी ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन परस्यू करें ठीक है ऑन प्रोडक्शन ऑफ प्रूफ दे कुड बी अलाउड टू टेक ए आई बी क्या बोला वी आर इंक्लाइंड टू एक्सेप्ट द सजेशन ऑफ द एमिकस दैट द स्टूडेंट हू अपियर इन ऑल एग्जामिनेशन टू बी एलिजिबल टू परस्यू द फाइनल सेमेस्टर ऑफ द फाइनल ईयर ऑन प्रोडक्शन ऑफ प्रूफ दे कुड बी अलाउड टू टेक ए आई बी उन्हें भी देना चाहिए ठीक है ये तो हो गई एक बात फाइनल ईयर स्टूडेंट वालों की अब देखिए सेकेंड चीज़ जो बात की गई इट ऑल्सो कॉल फॉर एन अप्रोप्रिएट रूल टू बी फ्रेम लेइंग डाउन दैट एन इनरोल्ड एडवोकेट हु टेक अप एम्प्लॉयमेंट इन अ नॉन लीगल कॉन्टेक्स्ट अब कोई ऐसा व्यक्ति है बंदा है जो नॉन लीगल कॉन्टेक्स्ट में आ, काम कर रहा है फॉर अ सब्सटैशियल पीरियड कुछ टाइम के लिए वुड बी डीम टू बी न्यू उन्हें डीम किया जाए कि ये एक न्यू इनरोलमेंट है और उन्हें फिर से ए आई बी एग्जाम देने को कहा जाए ठीक है यहाँ पे उसकी बात की गई और लास्टली ये बात इसमें डिस्कस हुई थी कि यू, यूनिफॉर्मिटी नहीं है चार्जिंग ऑफ फी फॉर द एग्जाम के लिए सबके लिए अलग अलग है डिफरेंट स्टेट बार काउंसिल की अपनी अपनी फीस है एनरोलमेंट की तो यही बात की गई है फर्दर द बेंच कॉल फॉर यूनिफॉर्मिटी इन द चार्जिंग ऑफ फी फॉर द एग्जाम सिंस डिफरेंट स्टेट बार काउंसिल वर चार्जिंग डिफरेंट अमाउंट ठीक है तो इसमें भी यूनिफॉर्मिटी की बात की गई है मुझे इन सारे पॉइंट्स में से ये थर्ड वाला पॉइंट अच्छा लगा और सही भी लगा यूनिफॉर्मिटी होना बहुत जरूरी है गाइस हर स्टेट का अपना अपना इनरोलमेंट चार्ज लगता है अपनी अपनी स्टेट बार काउंसिल का तो इसे यूनिफॉर्म किया जाए इसे एक किया जाए सबके लिए इक्वल होना चाहिए गाइज ठीक है इसके बारे में भी बात की गई है तो मोटा मोटा ये तीन चीज एक्सपेक्ट जो है आज इसमें डिस्कस किया गया है आज की हियरिंग में गाइज सो गाइज़ इन कंक्लूजन मैं आपको बता देती हूँ कि 28 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना जजमेंट को रिजर्व किया था आज उसी के बारे में आगे बात की गई और ये हेल्ड किया गया कि बी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये चीज़ डिसाइड करेगी कि उसे प्री इनमेंट एग्ज़ाम कराना है या पोस्ट इनरोलमेंट एग्जाम कराना है गाइज इसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं बोल सकती है ठीक है जो एमिकस ने सुझाव दिया सजेशन दिया उसको एड ऑन किया गया सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को एड ऑन करके बताया कि ये चीज़ हो सकती है ठीक है यूनिफॉर्मिटी इन द चार्जिंग ऑफ फीस सबको यूनिफॉर्म फी हर स्टेट बार काउंसिल को रखना चाहिए इस चीज़ के बारे में बात की गई नॉन लीगल कॉन्टेक्ट में जो लोग सब्सटेंशल पीरियड के लिए गायब रहते हैं उन्हें न्यू इनरोली माना जाए और वो भी एआईबी एग्जाम फिर से दे इसके बारे में बात की बट एट द एंड ऑफ द डे इस जजमेंट में यही बात रख के फाइनल किया गया कि बी के पास ही लास्ट पावर है कि वो प्री इनरोलमेंट कराए या पोस्ट इनरोलमेंट कराएं ये सारी ए की बातें सिर्फ और सिर्फ बी ही डिसाइड करेगी ये पूरा उनके पास है ये पावर ठीक है तो एंड में ये जो केस चल रहा था आज इस चीज़ का ये फाइनल डिसीजन लिया गया है आई होप ये डिसीजन आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा ठीक तो है गाइज़ तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइज़ और ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स लीगल अपडेट्स एग्ज़ाम अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपना ख्याल रखिए टेक केयर एंड बाय बाय